एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू के नरगे सीख कोफ्ते। उसके लिए जो हमें चाहिए, आलूओं को अच्छी तरह से आधा किलो आलू थे बॉईल कर लेना है कि अच्छी तरह से सिल्की हो जाए। इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है हसबे ज़रूरत, मिर्च हसबे ज़रूरत, और हल्दी थोड़ी सी डाली थी इसके अंदर मैंने, और पिसा हुआ गर्म मसाला हाफ टी स्पून। कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल कर लीजिएगा क्योंकि वो अच्छी बाइंडिंग आ जाती है इससे। इतना शामिल कीजिएगा अंदाज़े से, ज़रा देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसको आलू के अम्बेजे को हाथ में लेंगे ये बाइंडिंग पूरी आ गई है कि नहीं। अब इसको हाथ गीले करके ऐसे हाथ पे आलू के अम्बेजे को रखना है, उसमें उबला हुआ अंडा और इसको बाकी का आलू का अम्बेजा ऊपर डाल देना और अच्छी तरह से दोनों हाथों से हमने प्रेस करना है। मेक श्योर कीजिएगा अच्छी तरह से ये प्रेस हुआ कि ये खुले नहीं फ्राई करते हुए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बंद है, आलू बिल्कुल अच्छी तरह से कोट है इसके ऊपर। ये देखिए अब इसको दुबाना है अच्छी तरह से। ये अब तैयार है, अब इसको मैं फ्राई करूँगी। मैं शैलो फ्राई करूँगी, मैं डीप फ्राई बिल्कुल लाइक नहीं करती। कोई ज़रूरत नहीं आपको डीप फ्राई करने की। ये देखिए बिल्कुल अच्छा फ्राई होता है। ज़रा मीडियम हीट पर आप फ्राई कीजिएगा कि जले नहीं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप इसको टर्न अराउंड करते रहे और मेक श्योर करना है सारी तरफ से, चारों तरफ से फ्राई हो। डीप फ्राई का ये होता है कि आप, वो ज़रूरत नहीं आपको पड़ती इसको इतना टर्न करने की। ये देखिए वो जिस तरह से मैंने साइड से किया तो अच्छा ये कलर आ रहा है, अच्छी तरह ये फ्राई हो रहे हैं। डीप फ्राई में भी मैंने कई लोगों को देखा है वो जला भी देते हैं। टू मच फ्राई नहीं करना क्योंकि आलू तो आपको पता है ऑलरेडी बॉयल है, कुक है, वो कॉर्नफ्लावर है उसकी थोड़ी कसर ना। ये देखे अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, लाइट गोल्डन। अब इनको ऐसे ही छोड़ देना हमने। अब इसकी ग्रेवी मैं तैयार करूँगी। ग्रेवी के लिए जो मसाले हैं वो चाहिए मिर्च हसबे ज़रूरत, और ये क्यूब मैंने लिए थे चिकन के स्टॉक के, और हल्दी हाफ टी स्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और पेपरिका 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत। टमाटर जो है आप इसको आप पेस्ट बना लीजिएगा 2 अदद मीडियम साइज़ के। मेरे पास कैन टमाटर्स पड़े हुए थे, मैंने वो यूज़ कर लिए थे। अब ऑयल के अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया था, जब ज़ीरा थोड़ा फ्राई होना शुरू हो गया था उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया था, और जब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो गया था उसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया, और सारे मसाले और सब कुछ मैंने जो आपको बताया वो मैंने ऐड कर दिए थे। फिर ये सब कुछ ऐड करके हमने मसाला अच्छी तरह से भूनना है। मेक श्योर करें मसाला कच्चा ना रहे, उसको अच्छी तरह से भूने। जब मसाला भून जाएगा ना तो फिर इसके अंदर पानी शामिल करके इसको मैंने 15-20 मिनट्स हल्की आग पे कवर करके पका लिया था। अब ये जो हमने ये आलू के जो कोफ्ते से बनाए थे इनको आप दरमियान में से काट लें। ग्रेवी जो है तैयार हो रही है उतनी देर, ये देख ले मैंने काट लिया इसको। और ये देखिए अभी ये मसाला बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब इसके अंदर मैं ये कोफ्ते हैं जो नरगसी आलू के कोफ्ते हैं वो शामिल करूँगी ग्रेवी के अंदर, और ऊपर से आप हरा धनिया और अगर आप चाहे तो और गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ये आलू के नरगसी कोफ्ते तैयार है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और मैं आपके साथ और रेसिपीज़ के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी जल्दी। अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर।